हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं JYT 939 मॉक टेस्ट Day 3 पर। Day 1 और Day 2 में हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपने जरूर सीखे। बस इसी तरीके से आपको कंप्यूटर में पढ़ते जाना है और एक बहुत अच्छी पकड़ बना लेनी है। आउट ऑफ 140 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए कि 120 प्लस तो करने ही करने हैं एट एनी हो, और 130 प्लस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है और ये पॉसिबल है। देखिए, कंप्यूटर में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि पेपर कहाँ से आएगा। आप जानते हैं कि पेपर में HTML, CSS, JavaScript, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, CPU शेड्यूलिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग मैलवेयर, डेटाबेस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल्स, मेमोरी, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अगर हमें टॉपिक्स के बारे में पता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपने हर एक टॉपिक को पढ़ रखा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि हमने टॉपिक्स को पढ़ा नहीं होता प्रॉपर तरीके से, और वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और कई बार उन क्वेश्चंस को भी हम गलत कर देते हैं जो हमें आता होता है। रीजन या तो रिवीजन नहीं हुआ होता, या बहुत ज्यादा पैनिक ले लेते हैं एग्जाम के टाइम पर, है ना। जैसे ये चीज हमने कई बार देखा कि आप लोग की टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं जब टाइपिंग करने आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पर कौन सा फीवर आता है कि टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत कम हो जाती है, कुछ लाइंस छूट जाती हैं आपसे, कुछ कैरेक्टर्स छूट जाते हैं, कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, है ना। तो ये एग्जामिनेशन फीवर होता है, इसलिए आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो अप टू दी मार्क होनी चाहिए। कम समय है, अपने आप को आइसोलेट करिए, पूरा फोकस करिए स्टडीज में। ये 1 महीना आगे आने वाला ये डिसाइड करेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, तो हमेशा आप एक अच्छे स्कोर पर ही आके रुकेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन में और देखते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि JYT 939 का कंप्लीट बैच आपके लिए चल रहा है, जो लाइव टाइमिंग्स 8 PM पर है। अगर आप लाइव जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आपको मिलेगा। अराउंड 75 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर होंगे। एप्लीकेशन पर ये आपको बैच या कोर्स अवेलेबल होगा। आप एक बार एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा अरोड़ा एजुकेटर, वहां पर आपको ये बैच दिखेगा, उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसको जरूर डाउनलोड करके और उसमें एनरोल कर लीजिएगा। देखिए, बहुत जरूरी है एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। नो डाउट कि आप बुक से पढ़ रहे होंगे, नो डाउट कि आप वीडियो से पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये कंफर्मेशन और यहीं से ही आएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। यानी एग्जाम में जाने से पहले एक फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये एग्जाम हम क्रैक करके रहेंगे। और ये एक ऐसा बैच है जो वादा करता है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करेंगे। लाइव टाइमिंग 8 PM है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज MCQs है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे अगर आप लाइव में नहीं कनेक्ट हो पाते हैं तो, PDF फाइल्स यहाँ पर मिलेंगी। हर मंडे को यहाँ पर लाइव टेस्ट भी होता है जहां पर आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो हुआ ना या बेस्ट, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू, अरोड़ा एजुकेटर ऐप के थ्रू आप इसको इंस्टॉल करिएगा, बैच को ज्वाइन करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमसे एक वादा करिए कि सर कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी पढ़े, लेकिन बस मेन मोटिव है आपका सिलेक्शन, ये जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि आगे आने वाला टाइम अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को मेंटेन कर पाएंगे। बहुत जरूरी है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से तैयारी करिए। सबसे पहले यहां पर आज के सेशन में हम लोग क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे उसका यहां पर एक इंटरफेस आपको दिख रहा है।
तो मॉक टेस्ट डे थ्री में क्या क्या इंक्लूड होगा? क्वेश्चंस आस्क्ड इन डे वन एंड डे टू, यानी डे वन और डे टू में जो क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे थे उसके भी आंसर बताएंगे। जो टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में वो क्या क्या है? रजिस्टर और कैश मेमोरी से एमसीक्यूज है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से एमसीक्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और रोम, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने आज एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं और बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम आउट किए हैं। बताइएगा आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हैव अ लुक गाइस। तो सबसे पहले जो डे वन और डे टू में हमने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे वो क्वेश्चंस क्या थे एक बार देख लेते हैं। व्हाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस? और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, किस प्रोटोकॉल की है? द करेक्ट आंसर इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द राइट वन, एआरपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, CSMA/CA ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? CSMA/CA OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है, ऑपरेट करता है? फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर? बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका भी आंसर दिया था, डेटा लिंक लेयर, यानी सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ये लेयर है जो CSMA/CA पर काम करती है, ऑपरेट करती है। तो आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। अब CSMA/CA का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कोई भी डेटा में कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसका पूरे तरीके से ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CSMA/CA की होती है, जो कि डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। समझ में आ गई बात यहां तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डे टू में जो हमने आपसे पूछा था वो क्वेश्चन था, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड 2019? कह रहा है ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप लाइन को ब्रेक करते हैं एमएस वर्ड में? तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ एंटर होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पेज ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब आज के सेशन का ये रहा पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपने 20 में से कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। द प्रोग्राम काउंटर डिसाइड विच प्रोग्राम टू रन, काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इज वेयर अर्थमेटिक इज डन इन अ कंप्यूटर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है? कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने वाला होता है उसके एड्रेस को कंटेन करता है कौन, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है, एक तरीके का रजिस्टर है हम लोग जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड, हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, हम जानते हैं कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, हम जानते हैं कि रजिस्टर की जो लेंथ है या रजिस्टर डिपेंड करता है प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर लिमिट या रजिस्टर साइज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड साइज। जितना वर्ड साइज होगा, यानी प्रोसेसर साइज एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो वर्ड साइज का मतलब क्या होता है, टेल्स द नंबर ऑफ बिट्स अ रजिस्टर कैन स्टोर, रजिस्टर कितने बिट स्टोर करता है इसी को बोलते हैं वर्ड साइज। जैसे 32 बिट, 32 बिट का रजिस्टर, 64 बिट, 64 बिट का रजिस्टर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड साइज। नेक्स्ट, द डैश होल्ड द कंटेंट ऑफ द एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड, कह रहा है ऐसी कौन सी जगह है जो होल्ड करता है कंटेंट को ऑफ द एक्सेस मेमोरी वर्ड? तो होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, मेमोरी बफर रजिस्टर की, प्रोग्राम काउंटर की या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। इसका मतलब इन रजिस्टर्स में से कंटेंट को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गाइस? बिल्कुल सही, बफर मेमोरी की आप बोल सकते हैं या बफर रजिस्टर भी आप कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? मेमोरी बफर रजिस्टर यानी MBR होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड। बफर मेमोरी की बात करें तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, रैम से डेटा को ये उधार मांगती है। तो ये किस चीज के डेटा का यूज करती है बफर मेमोरी? याद रखिएगा, रैम के डेटा का इस्तेमाल करती है। तो ये हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका यूज हम लोग देखते हैं इंटरनेट के दौरान, जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं और जब तक वो फाइल 100% आपकी डाउनलोड नहीं होती तो वो फाइल आपकी कहां पर जाती है? मीनवाइल, मेमोरी बफर रजिस्टर में या बफर मेमोरी में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी, इसे हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसे जो विजिबल नहीं होता? जनरल पर्पस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी स्टेटस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्योंकि एड्रेस क्या करता है? मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। तो इसका मतलब कि ये विजिबल नहीं होता, हमें कंटेंट विजिबल होता है लेकिन एड्रेस नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक टू बी रीड और रिटन टू। तो ये क्या करता है? कंटेन करता है मेमोरी के एड्रेस को, किसमें? मेमोरी ब्लॉक के फॉर्मेट, टू बी रीड और राइट करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे MAR के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कर पा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स? बहुत अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ट्रिकी है। इट इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस। कह रहा है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है नंबर वन, जो इनेबल करती है कम्युनिकेशन दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में। बिल्कुल, जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस। बस यहीं पर आंसर छुपा हुआ है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर या उससे भी कम। क्या ब्लूटूथ हो सकता है आंसर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज तो थोड़ी ज्यादा होती है ना, दैट इज नॉट 4 सेंटीमीटर और लेस। हॉटस्पॉट होगा? बिल्कुल नहीं। NFC हो सकता है? बिल्कुल सही, NFC ही करेक्ट आंसर यहां पर होगा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इनेबल करती है कम्युनिकेशन दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट्स के बीच में ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC इज द करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में NFC क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप लोगों ने डेबिट कार्ड में एक वाईफाई सिंबल बना हुआ देखा होगा, और इस तरीके के कार्ड को वाईफाई कार्ड या कॉन्टेक्ट लेस कार्ड के नाम से जाना जाता है या NFC कार्ड के नाम से जाना जाता है। इस कार्ड में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी बहुत पास में ले जाने पर आपको इस कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मशीन में इंसर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप उसके पास में ले जाइए और ये रीड कर लेगा कार्ड की डिटेल को और ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगा, है ना। तो ये इसकी खास बात होती है NFC की। नीचे हमने लिखा भी हुआ है कि NFC टेंड्स टू बी मोर सिक्योर देन ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ से सिक्योर है एज इट ऑपरेट्स ऑन अ शॉर्टर रेंज, जितनी रेंज कम होगी उतनी सिक्योरिटी ज्यादा होगी, ये चीज हम लोग जानते ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, समझ में आया? अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वायरलेस डिवाइस थ्रू अ ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड, अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन। कह रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन में अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी इलीगल एक्सेस करना क्या कहलाता है? अगर ब्लूटूथ में किसी ने हैकिंग करने की कोशिश करी, डेटा को चुराने की कोशिश करी,
अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करी, तो इस तरीके की एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? ब्लू मेकिंग, ब्लू स्ट्रिंग, ब्लू स्ट्रिंग अगेन अगेन दिया हुआ है कोई बात नहीं, या ब्लू स्नार्फिंग। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ब्लू स्नार्फिंग, यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर होगा। तो हमें याद क्या रखना है कि ब्लूटूथ में अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू स्नार्फिंग बोलते हैं। बहुत पॉपुलर है ये वर्ड, काफी चर्चा में भी रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉमिनल रेंज ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ की एक नॉमिनल रेंज कितनी होती है? 1 किलोमीटर, 10 मीटर, 1 मीटर या 10 किलोमीटर? ब्लूटूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो पिकोनेट और स्कैटर नेट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहां पर पिकोनेट क्या है, स्कैटर नेट क्या है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप क्या है, ये भी ब्लूटूथ में पूछा जाता है। तो ब्लूटूथ में डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हो सकती हैं, है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बताइए इसकी रेंज कितनी होती है? दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर की ब्लूटूथ की रेंज होती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, द डिवाइस विच स्टार्ट्स डेटा ट्रांसफर इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो डेटा को ट्रांसफर करने में इनिशिएट करती है, मदद करती है, स्टार्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं? मास्टर, ट्रांजेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर या इनिशिएटर? बिल्कुल सही, ऐसी डिवाइस जो डेटा को ट्रांसफर करती है, जैसे आपका मोबाइल फोन। अगर आप कोई अमाउंट अपने मोबाइल फोन से ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन क्या हो गया? इनिशिएटर हो गया। तो जिस भी डिवाइस से आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो मनी हो या कोई भी डेटा या कोई भी फाइल, दैट पार्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड इनिशिएटर। तो आंसर होगा दैट इज फोर्थ वन। अब हमने यहां पर देखो समझाया भी हुआ है कि जो सेंडर है ना, वो क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड इनिशिएटर ट्रांसफर, यानी दिस डिवाइस विच इज यूज बाई द सेंडर इज कॉल्ड इनिशिएटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड और चिपसेट? कह रहा है कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड और चिपबोर्ड या चिपसेट? तो चिपसेट या मदरबोर्ड में जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? फर्मवेयर है, प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन है या एंटीवायरस है? क्या लगता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है जानते हैं इसके बारे में? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन एक ऐसा हार्डवेयर जिसमें ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। जैसे हमारा रिमोट, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, ये सब क्या है? फर्मवेयर है। ट्रैफिक सिग्नल क्या है? फर्मवेयर है, यानी एक हार्डवेयर जिसमें ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट इज ट्रीटेड एज अ फर्मवेयर। नेक्स्ट, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है जो कैश मेमोरी है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? लिफो, फिफो, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? कैश मेमोरी हमारी सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी में डेटा का मिलना हिट होता है, कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो इसको क्या बोला जाता है? मिस बोला जाता है। और ये जिस प्रिंसिपल पर काम करती है वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी थर्ड इज द वैलिड आंसर। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? सिर्फ उसी डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसको कैश मेमोरी से बाहर निकाल लिया जाए, और जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है उस डेटा को ही कैश मेमोरी में रखा जाए, दिस इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यहां पर हम स्वैप इन और स्वैप आउट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा को कैश मेमोरी में रखने और निकालने के लिए। समझ में आया? अब देखिए यहां पर एक चीज और भी याद रखिएगा कि कैश मेमोरी,
जब सीपीयू और कैश के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो यहां पर वर्ड ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जब मेन मेमोरी यानी रैम और कैश के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ट्रांसफर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा जाता है कि वर्ड ट्रांसफर और ब्लॉक ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। एक चीज और याद रखिएगा कि सीपीयू और कैश के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो ये फास्ट होता है, जबकि रैम यानी मेन मेमोरी और कैशे के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगा तो ये स्लो होगा कंपैरेटिवली। क्लियर है? नेक्स्ट, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ आर ग्रुप ऑफ विच टैब ऑफ एमएस पावर पॉइंट 2019। ये सभी ऑप्शन हमें पावर पॉइंट में किस टैब में देखने को मिलते हैं बताइए? एनिमेशन, ट्रांजिशन, व्यू या डिजाइन? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जब भी आप पावर पॉइंट खोलेंगे और वहां पर एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? एंट्रेंस, कैसे उस स्लाइड को आप एंटर करेंगे, कैसे टेक्स्ट को एंटर करेंगे, इम्फेसिस दिखेगा, फिर एग्जिट दिखेगा, लास्ट में मोशन पाथ दिखेगा, जो चार तरीके के बेसिकली यहां पर क्या होते हैं? एनिमेशन होते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज फर्स्ट वन। आप इस इमेज की हेल्प से यहां समझ भी सकते हैं कि पहले एंट्रेंस दिया हुआ है, फिर इम्फेसिस है सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर एग्जिट है, फिर मोशन पाथ है, फिर मोशन पाथ में आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड एनिमेशन टैब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय नोकिया स्मार्टफोन? नोकिया जिसकी मार्केट पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, एंड्रॉइड ने मार्केट कैप्चर कर ली है, तो आपको बताना है ये नोकिया स्मार्टफोन है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है? आईओएस, सिम्बियन, एंड्रॉइड या बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यहां पर नोकिया द्वारा जो यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है या नोकिया द्वारा जो क्रिएट किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, क्या होगा? सिम्बियन इज द करेक्ट। और एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो एंड सेवेंथ कॉलम इन एमएस एक्सेल वर्कशीट? यानी इस क्वेश्चन की अगर हम खास बात देखें तो एक तरफ कह रहा है एब्सोल्यूट एड्रेस, दूसरी तरफ कह रहा है सेकेंड रो और सेवेंथ कॉलम। इसका मतलब सबसे पहले काम हमारा क्या होगा? सेकेंड रो और सेवेंथ कॉलम को कैसे लिखा जाए? तो हम जानते हैं पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, तो कॉलम कौन सी है? सेवेंथ। और कॉलम को हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? जी। और रो को हमेशा नंबर्स में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? टू। यानी जी टू सेल के बारे में बात हो रही है, नंबर वन। दूसरी बात, एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में हम जानते हैं कि यहां पर रो को भी फिक्स किया जाता है और कॉलम को भी, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो इसका मतलब डॉलर जी और डॉलर टू, ये हमारा आंसर होगा, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। दोनों के साथ में डॉलर लगता है और डॉलर किसी के साथ भी अगर लग जाए तो वो उस रो या कॉलम को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? डी रैम इज यूज्ड एज परमानेंट स्टोरेज? क्या डी रैम परमानेंट है? एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम? एस रैम इज यूज्ड एज टेम्परेरी स्टोरेज? या करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम? कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें से फॉल्स है, इनवैलिड स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है डी रैम परमानेंट है। बिल्कुल नहीं, रैम चाहे कोई भी हो हमेशा टेम्परेरी होगी, हमेशा वोलाटाइल इन नेचर होगी। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बाकी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। क्या स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव है? बिल्कुल, क्योंकि स्टैटिक रैम की मदद से ही कैश मेमोरी बनाते हैं तो ये एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू डी रैम, क्योंकि डी रैम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लैपटॉप्स में, अपने गैजेट्स में। एस रैम इज यूज्ड एज टेम्परेरी स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है कि ये टेम्परेरी है। करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम, जो करेंटली इंस्ट्रक्शंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं
क्या वो रैम में स्टोर होते हैं? बिल्कुल वैलिड है, वो रैम में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज टू स्टोर द स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? क्या इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है? डी रैम, एस रैम, हार्ड डिस्क या रोम? तो स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं ये बेसिकली आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि बूटिंग के लिए जो मेमोरी सबसे ज्यादा यूज होती है या जो मैंडेटरी है वो क्या है? रोम है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन, दैट इज रोम। जबकि रैम का इस्तेमाल बूटिंग में क्या किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स बूटिंग के दौरान रैम में ही स्टोर होती हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वाइल बूटिंग द फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, तो आंसर क्या होता? रैम। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि बूटिंग में कौन सी मेमोरी हेल्प करती है तो आंसर क्या होगा? रोम होगा। क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाई द एएलयू? फिर से ये क्वेश्चन रजिस्टर से आता हुआ, कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सीपीयू रजिस्टर है विच इज यूज टू स्टोर डेटा एन इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो कि रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाई द एएलयू? और वो रिजल्ट यानी वो आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एएलयू प्रोड्यूस कर रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एक्यूमुलेटर? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज रिजल्ट को स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूमुलेटर की होती है। तो फोर्थ यहां पर वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट, फाइल एंड डायरेक्टरी नेम इन NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कैन बी अप टू डैश कैरेक्टर्स लॉन्ग इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। कह रहा है जो फाइल या डायरेक्टरी का नाम होता है, मतलब फाइल या फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी मतलब क्या? फोल्डर। NTFS फाइल सिस्टम में यानी नॉर्मल विंडोज की अगर हम बात करें, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, तो इनमें जो फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम होता है उसकी लिमिट कितने करेक्टर्स की होती है? वैसे तो 260 करेक्टर की लिमिट होती है, लेकिन 260 से कम होना चाहिए, है ना, ऐसा ही कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? 255 करेक्टर लॉन्ग, दैट इज द बाय डिफॉल्ट लिमिट ऑफ करेक्टर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, वेयर एज फोल्डर के सेंस में 255 से कम होना चाहिए, लेकिन फाइल के सेंस में 250 से 260 की रेंज में हो सकता है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? 255 ही करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए यहां पर हमने एक इमेज भी लगाई है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा। अगर सेकंड वाले पैराग्राफ पर अगर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिफाइड पाथ कॉमा फाइल नेम और बोथ आर टू लॉन्ग, द फुली क्वालिफाइड फाइल नेम मस्ट बी लेस देन 260 करेक्टर। कह रहा है जो फाइल का नाम होना चाहिए वो 260 करेक्टर्स का होना चाहिए, एंड लेस देन 260 करेक्टर्स होना चाहिए, एंड द डायरेक्टरी नेम जो फोल्डर का नाम है मस्ट बी लेस देन 248 करेक्टर्स, और जो फोल्डर का नाम है वो या डायरेक्टरी का जो नाम है वो 248 करेक्टर से कम होना चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट हम आंसर क्या देते हैं? 255। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज और आर ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एडवेयर या असेंबलर एंड कंपाइलर? बताइए। बिल्कुल सही, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इनको डीबगर भी बोलते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ इज द वैलिड वन। ठीक, तो ट्रांसलेटर्स कितने तरीके के होते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं? तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है और असेंबलर का इस्तेमाल लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जिसे सेकेंड जनरेशन भी बोलते हैं, है ना। तो असेंबलर का यूज कहाँ करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में, सेकेंड जनरेशन में,
जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जिसको थर्ड जनरेशन बोलते हैं, यहां पर यूज होता है किसका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज और आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईईपीआर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के रिस्पेक्ट में कौन सी बात यहां पर ट्रू है, सही है। पहला कह रहा है इट इज ब्लॉक वाइज इरेजेबल, क्या ईपी रोम में जो डेटा इरेज होता है वो ब्लॉक वाइज होता है या बाइट वाइज होता है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। नीदर वन नॉर टू, बोथ वन एंड टू, ओनली टू या ओनली वन। तो हम लोग जानते हैं कि ईपी रोम के केस में जो डेटा इरेज किया जाता है वो बाइट वाइज होता है, वो ब्लॉक वाइज नहीं होता, वो बाइट वाइज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली टू इज दी वैलिड आंसर, तो यानी थर्ड यहां पर वैलिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बताइए। एक प्रोग्राम आपके सामने दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन फंक्शन इंटीजर इज इक्वल्स टू 5, टर्मिनेट हुआ, प्रिंट एफ यानी जो आउटपुट की वैल्यू आए वो क्या है, परसेंटेज डी इंटीजर फॉर्मेट में, ए प्लस प्लस। इसका मतलब सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर ए इज इक्वल्स टू 5 है और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। ए प्लस प्लस करने पर जो ए की वैल्यू है जो आउटपुट में आएगी वो क्या आएगी, 6, 8, 5 या 7 बताइए। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ए प्लस 1 कर देते हैं और कहते हैं सर 6 आएगी, कुछ कहते हैं 2 प्लस है, 6 नहीं 7 आनी चाहिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ए प्लस प्लस कैसे काम करता है। ए प्लस प्लस सबसे पहले वैल्यू को असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है, तो असाइन करने का मतलब जो ए में वैल्यू होगी वही आउटपुट आएगा और सेकेंड टाइम पर ये इंक्रीमेंट करेगा। तो सेकेंड टाइम पर तो दिया ही नहीं गया है, इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी यानी ए इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आंसर इसका बनेगा दैट इज थर्ड वन। ए प्लस प्लस कहता है यूज देन इंक्रीज, जबकि प्लस प्लस ए क्या कहता है, पहले अगर इंक्रीमेंट लगा हो तो ये क्या बोलता है, प्री इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले प्लस हो देन यूज करेंगे, यानी इसका ठीक उल्टा, पहले इंक्रीज देन यूज, यानी अगर यहां पर प्लस प्लस ए होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता, लेकिन यहां पर ए प्लस प्लस है तो यहां पर आंसर क्या होगा, पहले यूज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या है, 5। तो आई होप सो कि आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे और आप इनको कर पाएंगे एग्जाम में, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था, बस आपका नजरिया, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, क्या आपने सभी टॉपिक्स को टच किया है। अगर सभी टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज भी आपके पास में होगी तो आप बहुत ही आराम से आंसर कर पाएंगे, है ना। ऐसा कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं देते हैं कि आप उसको छू ही ना पाए, आप कर ही ना पाए, लेकिन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, है ना, ये मान के चलिए। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट करके बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन एमएस वर्ड 2016 कैन बी यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइन। कह रहा है अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन खींचनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, डबल लाइन, है ना, सिंगल लाइन नहीं, डबल लाइन की बात हो रही है और इसकी शॉर्टकट की बताइए एमएस वर्ड। देखिए हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बेसिक्स स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बेसिक्स पर आपने वर्क किया हुआ है। तो हमेशा जब भी तैयारी करें सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली टफ की तरफ बढ़िए, है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाकी अगर आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, JOIT 939 लाइव बैच है, 8 PM पर डेली चल रहा है
ना वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, ऑल दी टॉपिक्स। तो इसका मतलब कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक क्वेश्चन, चाहे प्रोग्रामिंग हो, HTML हो, CSS हो, JavaScript हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, नेटवर्किंग कमांड्स, MS Word, Excel, PowerPoint, Access, बहुत ही डिटेल में विद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में कवर करवाया जा रहा है, और साथ में MCQs भी हैं, और मंडे मंडे टेस्ट भी है। तो और क्या चाहिए आपको, होगा ना परफेक्ट सिलेक्शन। तो अगर जज्बा है, अगर पढ़ने की लगन है ना, तो ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी तक 80+ सेशंस हो भी चुके हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आप इतने सेशंस को पढ़ सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, पढ़ने का जज्बा है, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका बैच में। अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करिएगा और बैच से एनरोल कर लीजिएगा। JOIT 939 परफेक्ट, 140 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बार स्कोर करने हैं, ये वादा जरूर करिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।